मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप सभी। वापस से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। और गाइस अभी 7:30 बज रही है और अपने बहादुर घोड़े को लेके जा रहा हूं आज बादलपुरा। बादलपुरा से ट्रायली लेके आएंगे अपन और आज मुरम पटकेंगे अपने खेत के रास्ते पर। वहां पे कीचड़ हो जाता है बारिश में इसीलिए, और उसके बाद अपन खेत में खाद फेंकेंगे और आज भी बहुत सारे काम है तो पहले ट्रायली लेके आते हैं। अपना बहादुर घोड़ा पीछे रखा है और राम प्यारी कुश्ती कर रही है अभी। और गाइस काफ़ी ठंडा मौसम है आज और काफ़ी कूल है, मज़ा भी आ रहा है ट्रैक्टर चलाने में अपने बहादुर घोड़े को। और अब लेके चलते हैं अपन अपने घर से, लगभग 5 किलोमीटर दूर चल रहे हैं अपन ट्रायली लेने। और गाइस फाइनली हम बादरपुरा पहुंच गए हैं आधे घंटे के सफ़र में, और अपना मासी का घर है ये, यहाँ पे इनकी ट्रायली रखी हुई है, ये लेके जाऊँगा मैं अपने काम के लिए। और गाइज अभी अपन ने ट्रायली फान ली, अपने मासिक लड़के ने फंदवा दी है ट्रायली, अब लेके चलते हैं अपन अपने घर पे काम करने के लिए। और गाइज अभी अपन आ गए गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर, सीधा बादरपुरा से आ रहे हैं अपन जहाँ से ट्रायली लेके आए। और गाइस यहाँ पर चल रही है जेसीबी और अपने चाहिए मुरम, घर के बाहर पटकना है और अपने एक खेत के रास्ते पे पटकना है, इसीलिए अपने बारिश में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, इसलिए हम यहाँ से मुरम लेके जा रहे हैं। और ये ट्रायली भराएगी अपने 150 रुपये में जो जेसीबी वाला भर रहा है, और लेके चलेंगे सीधा चढ़ाव पर। रास्ता है सीधा, चढ़ानी है, अपने बहादुर घोड़ा चढ़ जाएगा अकेला ही ट्रायली भर के। और गाइस अपने साथ बहुत सारी ट्रायलियाँ हैं गाँव वालों की, वो भी लेने आए हैं मुरम, उनको ज़रूरत है। और गाइज अभी एक ट्रायली अपने घर के बाहर पटकने के लिए ले आया हूँ और एक अपने खेत के रास्ते पे पटकेंगे। अभी घर के बाहर पटक देते हैं, राम प्यारी को काफ़ी दिक्कत आती है बारिश में, ट्रायली पटक देंगे यहीं पे मुरम ताकि दिक्कत नहीं आएगी उनको बारिश में गीले की वजह से। और गाइज खाली करना स्टार्ट कर दिया है हमने। ज़्यादा ज़्यादा मत करो, पंप है सर। और गाइस फिर से आ गया हूँ मैं पहली वाली जगह पर जहाँ सभी लोग ट्रायली भर के लेके जा रहे हैं मुरम की, मैं भी दूसरी ट्रायली भर के लेके जाऊँगा। और गाइज मैं भी दूसरी ट्रायली भर लाया हूँ और अपने खेत के रास्ते पे फैलाएंगे, अब लेके चलते हैं। और गाइज अभी एक बज चुकी है और बहादुर घोड़े को खेत पे ले आया हूँ मैं, और अपन ने टोटल 3 ट्रायली मुरम की पटकी, 1 ट्रायली घर पे और 2 ट्रायली अपने खेत के रास्ते पे। और गाइज अब जा रहा हूँ मैं घर पे खाना खाने, भूख लगने लग गई, और अभी मार्केट जाऊँगा मैं, मार्केट सब्जी मिलवा के और वहाँ से मजदूर को ले आऊँगा जो 300 रुपये ट्रायली में खाद फेंकते हैं। और आज और खाद और फेंकवाना है अपन ने, क्योंकि अपन खेत में बोएंगे अब प्याज, तो चलते हैं अपन अब घर पे पहले। और गाइज अभी हमने ट्रायली खाली कर दी अपने गांव के रास्ते पे, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा खड्डा था, बारिश में निकलने में काफ़ी दिक्कत आती है, अपन को भी निकलने में आती है और अपने वाहन को भी निकलने में आती है, इसीलिए फैला देंगे अब। और गाइज अभी अपना खाना पीना आ चुका है घर पे और खाना खा लेते हैं। और गाइज अभी हम जा रहे हैं अपने मार्केट सब्जी का सामान लेके, और अब प्याज लेके जा रहे हैं और बहुत सारा आइटम है जो मार्केट बेचेंगे हम। और गाइज अभी चल रहे हैं अपन सब्जी मार्केट सामान बेचने, और आसपास सही से बांध लिया अपन ने और बाइक से जा रहे हैं, दिन भर में बिक जाएगा शाम तक। और गाइज अभी रखा है हम सब्जी का सामान सब्जी मार्केट में, और अब घर पे जा रहा हूँ मैं, घर पे से लेके जाऊँगा 1 कट्टी और प्याज सब्जी मार्केट रखने। और गाइज अभी खेत पे आ गया हूँ मैं और 1 कट्टी और प्याज रखवा के आया मैं मार्केट,
और मजदूर लेने गए थे वो भी नहीं मिले क्योंकि टाइम हो चुका है और पानी का मौसम भी हो रहा है, कभी पानी गिर सकता है। तो सुबह थोड़ी जल्दी पटवाएंगे अपन खाद और अभी खेत पे रुकूंगा एक घंटा और, इतने पापा आ जाएंगे बाइक लेके, वो गए हैं बाइक लेके, और फिर मैं घर पे जाऊंगा, घर पे कुछ खा के ग्राउंड निकल जाऊंगा। और गाइस अभी 4:30 बज चुकी है और अब घर पे चलते हैं और फिर चलेंगे अपन ग्राउंड। ग्राउंड का टाइम हो चुका है और पीछे रामप्यारी का चारा रख लिया है अपन ने रायली में और बहादुर घोड़े को लेके चल रहे हैं अपन। और गाइस अभी 5 बज चुकी है और घर पे आ गया था मैं अपने बहादुर घोड़े को लेके। और गाइस अभी नहाया हूँ मैं, सुबह से काम में लगा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा थक भी गया हूँ। और बैग वैग टांग लिया, सब सामान जमा चुके अपन, और भैया कॉल करा, भैया आ जाएंगे जो अपन सिखाते हैं, और कुछ तम का कोई ठिकाना ही नहीं। और पैदल अभी बाइक नहीं, पापा कॉल करा, थोड़ी बहुत देर में आ सकते हैं, वो नहीं आए पैदल ही पहुँच जाएंगे 2-3 किलोमीटर पे ही। और गाइस अभी अपने ग्राउंड पर पहुँच गया हूँ मैं और बारिश की वजह से काफ़ी हरा भरा ग्राउंड हो गया है। और भैया भी आए हैं आज जो सामने खड़े हुए हैं और वही बता रहे थे, अभी वही सिखा रहे थे हमें। और पुरुषोत्तम भाई भी आने वाला है थोड़ी बहुत देर बाद, तो उसका वेट कर रहे हैं अभी। और गाइस अभी 8 बज चुकी है और घर पे आ रहा हूँ मैं पैदल पैदल। और गाइस काफ़ी ज़्यादा थक गया, अच्छे से प्रैक्टिस करवाई, आज भैया आ गए थे और पुरुषोत्तम भाई तो नहीं आया आज भी, और उसका कॉल भी बंद है, सुबह शायद बेलन डलवा सकता है वो। और गाइस अभी पैदल आ रहा हूँ घर पर और फाइनली घर पर पहुँच ही गया हूँ मैं आधे घंटे के सफ़र में, आधे पौन घंटे के। और गाइस अभी 8:30 बज चुकी है और छत पे आया हूँ मैं, छत पे बारिश हो रही और छत पे किचन का काम बंद हो चुका है और खाना अब नीचे ही बनता है क्योंकि बारिश में ऊपर आना बहुत दिक्कत होती है नीचे ऊपर जाने में। और अपन भी चलते हैं अब नीचे। और छत पे मैं जिम के लिए आया था लेकिन बारिश हो रही, अब क्या करें, जिम फिर सुबह ही करेंगे जिम तो। और गाइस अभी 12:30 बज चुकी है और छत पर आ गया था फिर से मैं, और अभी पानी निकल चुका था, जिम कर रहा था मैं, जिम वर्कआउट सारे डंबल करके अपने बगल में ही। और गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल नई वीडियो में, बाय बाय।